गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्र आज की इस क्लास में और सीटिंग अरेंजमेंट्स के एक बहुत ही बेहतरीन पड़ाव जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट होगा और IBPS और साथ ही साथ RRBs यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये चैप्टर्स बहुत बहुत अहम योगदान रखेंगे, बहुत बहुत मायने रखेंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस पर आपको ये चैप्टर पर काम करना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट्स पे अगर हम बात करें तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऐसे प्रश्न को IBPS के दौर पर आप उस समय में पकड़ेंगे जब सारे प्रश्न बना लीजिए, उसके बाद अंत में ऐसे प्रश्नों पर आप आएंगे। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये दो ऐसा एरिया है बैंकिंग के क्षेत्र में छात्रगण जहां बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। सिटिंग अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखिए, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा था लेकिन मेरा क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आता, अभी 5 क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग में हैं। और साथ ही साथ आपको सबसे मजे की बात है कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस आपको सीधे सीधे प्रश्न पर 5 नंबर ला करके देता है छात्रगण। तो तमाम बैंकिंग की तैयारी कर रहे बच्चों को, चाहे वो IBPS के लिए हों, RRB के लिए हों या फिर RBI के लिए हों, किसी के लिए भी बैंक की भी तैयारी कर रहे हों, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस टॉपिक पे काम कीजिए। काम करने की आपको ज़रूरत है, आप देखिएगा निश्चित रूप से आप इसमें भी महारत हासिल कर लेंगे और 2 से 3 मिनट में आपको हम लोग इसमें मास्टर बनाएंगे। देखिए, कहानी वही है, चैप्टर वही है, सेम सिटिंग अरेंजमेंट्स है, लेकिन कहानी इस बार हम बदले हैं। अभी तक के पिछले पड़ाव में जब SSC और रेलवे की क्लासेस हम सब लेते हैं छात्रगण, तो वहाँ पर केवल सेंटर की ओर फोकस करता है कोई भी बच्चा। जो बच्चा होता है वो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आउटसाइड द सेंटर वो क्या करता है, फेस करता है। अर्थात जो भी बच्चा होगा वो चाहे तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंडीशंस आपको दिया हुआ रहेगा। देखिए, क्वेश्चंस पे सीधे सीधे आपको लेकर के आते हैं। 8 व्यक्ति GHIJKLMRN एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। कहानी है ये सब, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, वो तो होगा ही होगा। इनमें से कुछ व्यक्तियों के चेहरे बाहर की ओर हैं, कुछ व्यक्तियों के चेहरे बाहर की ओर हैं और कुछ व्यक्तियों के चेहरे केंद्र की ओर हैं। बस यही इसकी कहानी है। कुछ व्यक्तियों के चेहरे बाहर की ओर है और कुछ व्यक्तियों के चेहरे केंद्र की ओर है। सबसे पहले आपको एकदम से याद रखना होगा कि केंद्र के ओर जो हमारा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चलता है वो जस्ट यहाँ पर पलट जाता है। ये आपको एकदम बखूबी ख्याल रखना चाहिए। कल से पीछे आपने कई क्लासेस का आपने कंसेप्ट काम किया है छात्रगण। कल की भी क्लास आपने सिटिंग अरेंजमेंट्स में देखा था कि किस प्रकार से केंद्र की ओर जब बच्चा मुख करता है तो वो कैसे होता है, तो ये दिमाग में आपको रखने की आवश्यकता है कि सेंटर की ओर जब बच्चा मुंह करके बैठा हुआ है तो उसका जो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अर्थात राइट यहाँ पर लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट बन जाएगा राइट। किन स्थितियों में? जब बच्चा बाहर की ओर देख रहा हो। ये बहुत बड़ी पहलू होगी छात्रगण, एकदम अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। आपको खुद सोचना चाहिए कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स में लेफ्ट और राइट जो आपका अपना खुद का जो बायां दायां है वही सिटिंग अरेंजमेंट्स में बायां दायां होता है। अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट्स में आपका अपना लेफ्ट और सिटिंग अरेंजमेंट्स में आपका अपना राइट ही लेफ्ट और राइट हुआ करता है। उसी की बातें करेंगे, उसी की चर्चाएं करेंगे और पूरे टॉपिक पर आपको खड़ा करते हुए नजर आएंगे छात्रगण। आइए स्वागत करते हैं और पूरे प्रश्न को लेते हैं। देखिए, जैसे ही प्रश्न में आपको इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते के साथ आपको पकड़ा जाएगा कि क्वेश्चन इनसाइड और आउटसाइड दोनों फेसिंग कर रहा है। आपको सबसे अहम काम क्या करना है, इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको काम करना है जहां पर, वो ये है कि इन दोनों स्थितियों में आपको उस लाइन को ढूंढिए, किसी एक ऐसे लाइन को ढूंढिए जिसमें दिशा भी दिया हुआ है और एग्जैक्ट प्लेस दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कहां पर बैठा हुआ है। एकदम एक ना एक लाइन या दो लाइन होता ही होता है कि कौन केंद्र की ओर देख रहा है, कौन बाहर की ओर है। वो एक सर्टेनिटी लाइन आपको ढूंढने की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वो सर्टेनिटी लाइन नहीं ढूंढा तो फिर आपको ये क्वेश्चन जो होगा कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें रॉन्ग कंसेप्ट पैदा होंगे और आपको गलत कर जाएंगे। तो एकदम से आप फोकस कीजिए, एकदम से आप ध्यान लगाइए कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपको मैं सीधे सीधे यही जवाब दे रहा हूँ और यही मैं कह पा रहा हूँ छात्रगण कि जैसे ही क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट्स का आपके पास आता है, आपको पहला काम यही करना है कि जैसे ही इनसाइड और आउटसाइड का क्वेश्चन है, आप पहले उस लाइन को ढूंढने का प्रयास कीजिए जिसमें कि डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि इनसाइड फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है, और साथ ही साथ उसका प्लेस भी दिया हुआ होना चाहिए। आइए इसी तलाश, एक छोटे से माइन्यूटली कंसेप्ट के सहारे इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं छात्रगण।
सेम कहानी चलेगा, वृत्ताकार पथ का आप निर्माण करेंगे। हम देखेंगे अभी, अगर दो का जरूरत पड़ेगा तो दो वृत्ताकार पथ निर्माण करेंगे, अगर एक में हो जाएगा तो एक ही कर लेंगे, वो देखा जाएगा। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 व्यक्ति को यहाँ पर बैठा देंगे। कहानी आगे चलता है, कहता है के जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, सब सही है, लेकिन भैया के और जे का दिशा किधर है, हम कैसे अंदाजी रख सकते हैं किसी को? अजम्पशन भी करेंगे लेकिन बाद में, हम आपको पहले बताए कि हमें उस लाइन पे चलना है जहां पे दिशा और प्लेस एग्जैक्ट दिया हुआ रहेगा। के और एन के चेहरे एक दिशा में है, कुछ नहीं मिल रहा। आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है, देखिए यहां पर मिल गया हमको, आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है जिसका चेहरा बाहर की ओर है, एकदम एक वो आपको खोज के निकालना पड़ेगा। और पूरे स्टेटमेंट में ये निश्चित रूप से आपको दिया रहेगा, चाहे तो एक दिया रहेगा चाहे एक से अधिक दिया रहेगा, इसलिए आपको एकदम बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं है। क्लियर है? आप क्वेश्चन देखिए, हमको मिल गया आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है जिसका चेहरा बाहर की ओर है। देखिए मैंने पहले ही कहा, जो या जिसका से जब भी स्टेटमेंट जुड़ा रहे तो हमेशा बाद वाले के बारे में बात की जाती है, आपको बताया गया है ना। और मैंने पहले ही कहा है कि हमेशा आपको कहाँ से लेना है, बॉटम से लेना है, ठीक है। तो आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है, यहाँ एल ले लेंगे, क्लियर है ना। एल के और क्या बोल रहा है, आई एल के बाएं तीसरे स्थान पर है जिसका चेहरा बाहर की ओर है, किसका चेहरा बाहर की ओर है, एल का चेहरा बाहर की ओर है। अब एल का चेहरा ऐसे रो बना दिया कीजिएगा, ठीक है ना, जो बाहर की ओर दिखेगा उसमें इस प्रकार से रो बना दीजिएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो एल का अब क्या बोल रहा है, आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर, अब एल का बायां किधर हो जाएगा, इधर दायां, तो बायां इधर तीसरा स्थान पर, तो 1, 2, 3 अर्थात आई कहाँ पर है, आई यहाँ पर हो गया, आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर हो गया, एकदम कहीं कोई दिक्कत। आई का फेस अभी मालूम नहीं है, कुछ छूछा एकदम नहीं करेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए दूसरा कहाँ आपको काम करना पड़ता है, फिर एक बार क्वेश्चन में बढ़ जाइएगा कि भाई मेरे किसी का और चेहरा और दिशा दिखाओ, एकदम जल्दी जल्दी ये सब काम करिएगा कि और कहीं चेहरा दिशा देखो जल्दी। आई और एन के मध्य दो व्यक्ति हैं, आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एन एच के ठीक दाएं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एम के निकटतम पड़ोसी के चेहरे दूसरे विपरीत दिशा में, आई और के मध्य तीन व्यक्ति हैं, जे और आई के चेहरे जी के विपरीत दिशा में, कहीं ने दिया हुआ था। बस एक ही लाइन है पूरे क्वेश्चन के पड़ाव पे छात्रगण, पूरे क्वेश्चन के दरमियान एक ही लाइन है और एक ही लाइन से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो पहला काम कर लिया हमने, पूरा देख लिया कहीं और किसी का चेहरा उरा नहीं दिया हुआ था, एक व्यक्ति का चेहरा देख रहा है कि बाहर क्यों दे रहा है। अब फिर अब हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं, के जी के बाएं को तीसरे स्थान। अच्छा एक काम और आप इसमें किया जाता है छात्रगण, कि अगर आई और एल से रिलेटेड आप आई और एल को बैठा चुके हैं, आई का चेहरा भी आपको मालूम नहीं है, केंद्र की ओर देख रहा है कि बाहर देख रहा है, एक चीज और इसमें अच्छा किया जा सकता है, और वो ये है कि आई और एल के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में और कोई कहानी है किताब में, तो वो एक देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। आई और एल से क्या, आई और एल को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन है, देखिए दे रहा है आई और एन के मध्य दो व्यक्ति हैं, चलिए वो एक काम कर लीजिए, आई और एन के मध्य दो व्यक्ति बैठाते हैं। अगर हम यहाँ एन कर देते हैं, देखिए आई से रिलेशन दिया हुआ इसलिए आई को पकड़ के चल रहे हैं, अगर यहाँ एन देंगे तो एक ही व्यक्ति हो जाएगा, जाहिर बात है एन इधर होगा तो एन 100% यहाँ पर होगा, आई और एन के बीच में मेरा दो व्यक्ति बैठ जाएगा। क्लियर? आगे फिर देता, आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, अब देखिए आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, अब यहाँ पर दो कहानी बन गया इस चैप्टर के लिए, इसको लेने के लिए आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, इसे लेने के लिए अब हमको दो कहानी, आई एम के दाएं को दूसरे, अगर हम एम करते हैं तो एम के दाएं अगर हम करेंगे तो इसको बाहर दिखाना पड़ेगा, एम के दाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा, आई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा अगर आउटसाइड फेस करेगा, लेकिन अब यहाँ पर डिड टू एकदम एक और आपको एक जल्दी से एकदम उतार लेना चाहिए, सेम टू सेम एकदम उतार लीजिए, एल 1, 2, 3 आई, यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है और यहाँ पर ये है, ठीक है। चूंकि अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो गया, अब एम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज क्लियर हो जा रहा है। आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, देखिए दो चित्र अब हमको बनाना पड़ गया, तो आई यहाँ पर है, आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ये भी तो हो सकता था ना कि एम जो है केंद्र की ओर देखे, एम के दाएं आई हो जाएगा। देखिए कैसे हमने दो चित्र तुरंत निर्माण कर दिए, एज इट इज जितना कुछ लिखा हुआ था सबको आप भी उतार लीजिएगा, जहां पॉसिबल आपको इतना ख्याल रखना है
कि आप अपने मन से कोई भी कहानी इसमें नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे बोल रहा हमको, हम थोड़ी मालूम है कि भाई एम यहाँ बैठा हुआ है कि यहाँ बैठा हुआ है, सिंपल सी बात है। आपको पता चल रहा है क्या कि एम कहाँ बैठा हुआ है, एम यहाँ बैठा हुआ है कि एम यहाँ बैठा है? इसलिए एकदम से इस बात का ख्याल रखा जाता है ऐसे प्रश्नों को बनाने में छात्रगण, कि हमको जहाँ भी डाउट होगा हम डबल अजम्पशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ है। डिटो हम उतार चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एल का फेस दिया हुआ था, एल का फेस कर लिए हैं। अभी तक हमको दो एम का अंदर भी हो सकता है, एम का बाहर भी हो सकता है, एक तरफ में बाहर किए, एक तरफ एम को अंदर किए हैं। क्लियर है यहां तक में कहानी? आगे चलते हैं। आई और एम के दाएं दूसरे तरफ एन एच के ठीक दाएं हैं। अब फिर देखेंगे एन जो है वो एच के ठीक दाएं हैं। अगर एच को यहां करते हैं तो बाहर करेंगे तो ये दाएं हो जाएगा एन, और यहां पर एन जो है एच के ठीक दाएं हैं, एन जो है एच के ठीक दाएं हैं, और यहां करेंगे तो अगर हम एच को यहां अंदर करते हैं, एन जो है एच के ठीक दाएं हैं, तो ये तो बाएं हो जाएगा, यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ तो बाहर कर चुके हैं, एन जो है वो एच के ठीक दाएं हो गया, बाहर एच बाहर दिखेगा तो ये दाएं होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ पर एन को अगर हम यहाँ अंदर करा देते हैं एच को, तो एच के ये बाएं हो जाएगा। इसलिए देखिए इसकी राम कहानी आपको लगभग जो है क्या हो गया, खत्म हो गया, वो डायग्राम का कहानी यहाँ पर खत्म हो गया। यानी पक्का हो गया कि देखिए एन जो होगा वो एच के ठीक दाएं, यही चित्र यहाँ पर क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम अच्छी तरह से। हाँ, तो ये एकदम ध्यान से रखिएगा, देखिए कितना कैसे आसान होते जाता है आपका। अब वो डायग्राम आपका समझिए कि खत्म हो गया, अब इस यही डायग्राम मेरा मेन डायग्राम बन गया। हो गया, एन एच के ठीक दाएं हैं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अर्थात एम सेंटर की ओर देख रहा है तो एन कहाँ देख रहा है? बाहर की ओर देखेगा। क्लियर है ना? एकदम आगे दूसरे के विपरीत दिशा में। एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अर्थात इसका निकटतम पड़ोसी कौन है? ये वाला और ये वाला। यानी ये बाहर देख रहा है तो जाहिर बात है ये क्या देख रहा है? अंदर देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये बाहर है तो ये अंदर है। क्लियर है? आई और के मध्य तीन व्यक्ति हैं। चलिए वो पहले क्रिएट कर लेते हैं। आई और के मध्य में तीन व्यक्ति, आई और के मध्य में तीन व्यक्ति, कहाँ हो रहा है मेरा? तीन दो पाँच, तीन आठ तो हो चुका है। आई और के मध्य में तीन व्यक्ति मेरा नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो गई? ये तो पकड़ना होगा। आई और के मध्य में तीन व्यक्ति हैं, तो आई और के मध्य में तो दो ही व्यक्ति आ रहा है, इधर भी मेरे पास जगह नहीं है कि हम सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज क्रिएट होता है छात्रगण, ये आपको समझना चाहिए। क्लियर हो गया? अब कह रहा है कि आई और के मध्य में, आई और के मध्य तीन व्यक्ति हैं, तो आई और के अब हम कहां लेंगे? सो अब जवाब दीजिए, आई और के मध्य में तीन व्यक्ति कैसे क्रिएट होगा? नहीं होगा, जरूर कहीं कहीं कुछ मिस्टेक को फिर शुरू से मिलाएंगे, ठीक है ना? के जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, के जो है वो जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ये तो कह सकते हैं। के जो है वो जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, ये भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी कौन किधर देख रहा है क्लियर नहीं हो रहा है। के और एन के चेहरे एक दिशा में है, के और एन अभी तो हम लिए नहीं है इसलिए नहीं कहा जा सकता है। आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है, आई जो है वो एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है, इधर से बाया तीसरा स्थान हो जाएगा, एक दो तीन, एकदम यहां तक में क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? क्वेश्चन कुछ तो छूटा नहीं हम लोग का। जे और आई जी के विपरीत, आई और के मध्य तीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना? आई और के मध्य में तीन व्यक्ति हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं फटाक से एकदम, तब इसका हल निकाल लेते हैं। आई और के मध्य में तीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना? हाँ, क्लियर हो गया। आई और के मध्य में तीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना? क्लियर करते हैं उसको। अब यहां से देखिए, यहां कहीं कुछ आई और एन के मध्य दो व्यक्ति हैं, आई और देखो वहां पे एक मिल रहा है, आई और एन के मध्य में दो व्यक्ति हैं, तो आई और एन के मध्य में दो व्यक्ति हो गया, ठीक तो है। उसके बाद और क्या बता रहा है? किस स्थान पर? आई और एन के मध्य में दो व्यक्ति हैं, हो गया है, ये तो खत्म हो गया। आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, आई एम के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ओके। एन एच के ठीक दाएं हैं, एन जो है वो एच के ठीक दाएं हैं, एकदम क्लियर हो रहा है ना? एन जो है वो एच के ठीक दाएं को है, एच अगर एच एच जो है मेरा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है।
एन जो है वो एच के ठीक दाएं को है, तो एन जो है एच के ठीक दाएं की ओर हो रहा है, हो रहा है ना, एन एन बाहर क्यों देख रहा है, तो एन जो है वो एच के ठीक दाएं की ओर हो रहा है, एच के ठीक दाएं तो है ही ना, इधर से बाहर देख रहा है तो बाहर देखेगा, देखिए एच कहाँ देख रहा है, बाहर, बाहर देखेगा तो इधर हो गया, एन जो है वो एच के ठीक दाएं की ओर हो रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एन एच के ठीक दाएं की ओर देख रहा है, एन एच के ठीक दाएं है, क्लियर है ना, और यहाँ पर एन जो है बाहर और एच जो है एन जो है एच के ठीक दाएं की ओर देख रहा है। अच्छा ये भी तो कर सकते थे ना, एक काम और कर सकते हैं ना, के हमको लेना है ना, तीन व्यक्ति हम लोग को, अगर हम एच को यहाँ कर देते हैं है ना, और एच को हम अंदर फेस करा देते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटीज यहाँ बन जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो गया यहाँ पर, एक वो भी ले लीजिए है ना, यहाँ पर ये हो गया, हाँ अब यहाँ से इसको छोड़िए, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज लेंगे, चूंकि बोल रहा है कि एन एच के ठीक दाएं हैं, तो देखिए यहाँ पे एन जो है वो एच के ठीक दाएं हो गया, एन जो है एच के ठीक दाएं हो गया, और यहाँ भी हो गया एन क्या एच के ठीक दाएं हो गया, एन का पहले आने, दोनों पॉसिबिलिटीज ले लेंगे, चूंकि हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली दोनों बैठा हुआ कहाँ है, क्लियर हो गया, एम और एन के चेहरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, एन और एच के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देखिए ये गलत हो गया था, वही गलत हो रहा था कि एन, देखिए दोनों क्या हो रहा है, दोनों यहां बाहर दे रहा है, जबकि प्रश्न स्पष्ट कर रहा है कि एन और एच के चेहरे जो है, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एन एच के ठीक दाएं हैं, एन जो है वो एच के ठीक दाएं हो गया, एच के ठीक दाएं हो गया, एन जो है यहां भी एच के ठीक दाएं हो गया, एच के दाएं हो गया ना, एन भी दोनों स्थितियों में दाएं हो गया। आगे चलते हैं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम और एन के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एम के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एकदम सब कुछ है, आई और के मध्य तीन व्यक्ति है। अब देखिए आई और के मध्य हमको तीन व्यक्ति क्रिएट करना होगा, एनी हाउ आई और के मध्य में एक दो तीन, अब देखिए यहाँ के अगर डाल देंगे तो क्या होगा, आई और के मध्य में एक दो तीन व्यक्ति हो गया मेरा, कितना इजी से क्वेश्चन बन गया, देखिए सब मेरा इंगेज हो चुका है, मेरे पास बचा कौन है, देख लीजिए जी इंगेज हो गया है, जी नहीं नहीं दो ठो बचा हुआ है अभी, तो अभी छोड़ दीजिए एकदम, आई और के मध्य इधर से तो जा नहीं सकते थे, आई और के मध्य एक दो तीन व्यक्ति है, यहाँ पर आई और के कहीं नहीं ले सकते थे, देख लीजिए, इसलिए ये चित्र तो आपका यहीं से कैंसिल हो गया, इस चित्र के बारे में अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ये आपको एकदम दिमाग में रखना चाहिए, अब एकदम सीधे सिंपल फिगर ये आपका हो गया, तो आई और के मध्य में तीन व्यक्ति हैं, जे और आई के चेहरे, अब कहा गया जे अभी हम लोग लिए नहीं है, जे और आई के चेहरे जी के विपरीत दिशा में हैं, ना ही हम जे लिए हैं, ना ही आई लिए हैं, ना ही जी लिए हैं, ठीक है, चूंकि हमको मालूम नहीं कि हम लोग एग्जैक्टली कहां पर लेंगे, जे और आई के चेहरे जी की विपरीत दिशा में हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए, अब फिर क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़िए, चूंकि अभी आपका एक प्लेस दो प्लेस और एक आपका दो प्लेस, दो कितना प्लेस खाली हो गया मेरा, हाँ एक प्लेस और दो प्लेस आपका खाली है, ठीक है ना, जे हम लोग ले लिए हैं, जे लिए हैं, अच्छा आइए, जे और आई के चेहरे जी की विपरीत दिशा में हैं, तो अभी हमको नहीं मालूम है, हमको आई का ही चेहरा नहीं मालूम है कि आई किधर फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है, ये नहीं मालूम है हमको, तो अभी हम लोग उसको एकदम ऐसे ही छोड़ देंगे और ठीक क्वेश्चन के पहले पड़ाव पे चलेंगे। के जो है, देखिए अब हम लोग के ले चुके हैं, वो जी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, देखिए कितना अच्छा चीज मिल गया, अब देखिए के जो है वो जी के बाएं को तीसरे स्थान पर हो गया, के आ गया ना, के को अच्छा से लिख लीजिए, अच्छा से देखिए, थोड़ा सा देखिए बाबू, इस समय टाइम लगता है, इसमें पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है, के जो होता है वो जी के बाएं को तीसरे स्थान पर, एक दो तीन के हो गया, जी के बाएं को तीसरे स्थान पर हो गया, अब शुरू से क्वेश्चन इसको छोड़े हुए थे हम लोग, के और एन के चेहरे एक दिशा में है, अब देखिए के और एन के चेहरे एक दिशा में, अब आपको ये भी डिसाइड हो गया कि के जो है आउटसाइड फेसिंग कर रहा है, तो के और एन के चेहरे एक दिशा में है, वहां भी हो गया के और एन के चेहरे एक दिशा में, आई एल के सब तो हम लोग सब कुछ ले चुके हैं, अब हमको कुछ भी नहीं छूटा हुआ, जे और आई के चेहरे जी के विपरीत दिशा में है, आप देखिए जे और आई के चेहरे, अब निश्चित हो गया कि जे यहां पर रहेगा, आई तो जे और आई के चेहरे जी के विपरीत दिशा में है, तो जी अंदर देख रहा था तो आई भी बाहर देखेगा और जे भी बाहर देखेगा, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से देखिए पूरी क्वेश्चन हमारा कितना देर लगा, हमको लगता है 3 या 4 मिनट में पूरा कहानी सेट हो गया, हमने क्या किया कि जहां भी डाउट सेक्शन था
जो एरिया पर डाउट सेक्शन था उस एरिया पर हम लोग उस पर काम नहीं किए। हम लोग जो एकदम सर्टेनिटी केस होता, आपको मैंने कई बार कहा कि पूरे प्रश्न में एक पड़ाव आपका ऐसा होगा जहां पर उसकी दिशा और डायरेक्शन, दिशा और प्लेस एग्जैक्टली दिया हुआ रहेगा, उसी को आपको पकड़ना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था आई एल के बाएं को तीसरे स्थान पर है, हमने सीधे क्या किया, आई जो है एल के बाएं को तीसरे स्थान पर कर लिया, जिसका चेहरा बाहर की ओर है, एल का चेहरा बाहर की ओर है, उसके आधार पर क्वेश्चन को बना लिए। ये पूरा क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सिमट गया। अब आपको आइए इस क्वेश्चन पर हम सब आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, 5 क्वेश्चन करा देते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ है तो दोबारा इसको फिर एक बार समझाने का प्रयास करें, लेकिन हम, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, और एक उससे अच्छा क्वेश्चन बना लेंगे, क्या कहना है, है ना। चलिए तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन सर प्लॉट पर चलते हैं, आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण बोर्ड पर जगह नहीं हो पाने कारण दोबारा क्वेश्चंस लिख करके लाए हैं आप सबों के लिए। चलिए चित्र मेरा वही है, वही जगह पे बना हुआ है चित्र, सीधे सीधे क्वेश्चन पर आइए। 5 क्वेश्चन एकदम आईबीपीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए। दी गई व्यवस्था के आधार पर जे के संदर्भ में एन का क्या स्थान है, जे के संदर्भ में एन का स्थान देख लेते हैं। पहले अगर जे को लिठाएंगे बाएं से दूसरा, कहीं ऑप्शन में है बाएं से दूसरा, ठीक दाएं, बाएं को दूसरा, देखिए दूसरा ही ऑप्शन है, बाएं को दूसरा देख लीजिए। जे के संदर्भ में एन का स्थान क्या है, बाएं को दूसरा, जे बाहर देख रहा है तो बाहर से बाएं का दूसरा एन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो गया। कितने व्यक्तियों के चेहरे केंद्र की ओर है, 1 2 3 कितने व्यक्तियों के चेहरे केंद्र की ओर है, तो 3 व्यक्तियों के चेहरे केंद्र की ओर है, देख लीजिए कितना अच्छा से क्वेश्चन जो है निकल करके आता है जब आपका पूरा बन जाएगा। कौन सा व्यक्ति एन के बाएं को तीसरे स्थान पर है, कौन सा व्यक्ति एन के बाएं को, एन बाहर देख रहा है तो बाया कौन हो जाएगा, इधर चलेंगे इसका बाया, ठीक है ना, एन के बाएं को तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 कौन है, एम है, तो आंसर हो जाएगा एम, क्लियर है। चौथा, दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, जे जी का निकटतम पड़ोसी है, नहीं है जे जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पहला गलत हो गया। एन जी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एन जो है जी के दाएं को दूसरे स्थान पर, नहीं भैया बहुत दूर है, एच आई के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एच आई के बाएं, आई के बाएं को दूसरे स्थान पर, देखिए एकदम क्लियर हो गया, आई बाहर दिख रहा था तो आई के बाएं इधर होगा, तो एच आई के बाएं के दूसरे स्थान पर, सो थ्री इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जी के दाएं से बिठाया जाए, जी के दाएं से बिठाया जाए, सभी व्यक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जी के दाएं से बैठाया जाए, देखिए जी अंदर देख रहा है तो दाया इधर होगा, जी के दाएं से बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे जी को छोड़ करके। चलिए सभी व्यक्तियों को पहले जी के दाएं की ओर बैठाइए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा एच, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ पे हो जाएगा एल, और यहाँ पे हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा एन, यही ना है मेरे पास, एच आई जे के एल एम एन, यही श्री चला था ना। देखिए कितना स्थान का, कितना व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित हो जाएगा, किसको यहाँ गड़बड़ा क्या, ओ यहाँ छूट रहा है ना एन, यहाँ पर ओ नहीं होगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ था मेरा क्वेश्चन में, ओ एक हमारा छूट रहा है ना, एच जी के दाई ओर से ना, एच तो यहाँ था ना, गड़बड़ाया थोड़ा सा ना, गड़बड़ा गया जे, एक सेकेंड कितना लोग है मेरा, एच आई यहाँ हो गया एच, ठीक है ना, एच आई जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है हो गया क्लियर यहाँ पे कहानी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जी के दाएं से बिठाया जाए, जी के दाएं से बिठाया जाए, तो मेरा अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है एच, तो यहाँ एच लिखेंगे, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पे के, यहाँ पे एल, यहाँ पर कौन हो जाएगा एम, यहाँ पे हो जाएगा एन, जी को छोड़ करके, यहाँ लिखा भी है जी को छोड़ करके, जी के पास कुछ ना, इतने ही व्यक्ति ही था मेरे पास, देख लीजिए कितना व्यक्ति मेरा पर हो गया है ना, तो एच, इसको सीधा लिखिए, वही कन्फ्यूजन हो गया था लगता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हो गया, 8 व्यक्ति था। अब देखिए बोलता है कितना व्यक्ति का स्थान जो है आपका, एच को सीधा लिखना यार, यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जी के दाएं से बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितना व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित हुआ, आप देख लीजिए कितना व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित रहा, आई का स्थान एच ले लिया, जे का स्थान आई ले लिया,
एच का स्थान आई ले लिया, एन का स्थान के ले लिया, के का स्थान एल ले लिया, एल का स्थान एम ले लिया, एम का, तो सभी व्यक्ति का स्थान क्या हो गया, मेरा परिवर्तित हो गया, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सीधे सीधे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, नन, अर्थात एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका स्थान परिवर्तन होगा। यदि इसे हम सब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर सजाते हैं तो यही इसकी रूपरेखा है छात्रगण। घंटे भर की क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने आपको इस पूरे प्रश्न के पड़ाव पर आपको लेकर के हम गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। तो इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग पे एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन IBPS और RRB में होता ही होता है, इसलिए आपको बहुत ही मनोयोग से ऐसे प्रश्नों को बनाने की आवश्यकता है। एक ही इसका एक्सटेंट है, कितना लंबा क्वेश्चन रहे क्वेश्चन से बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन हाँ आपको सलाह देंगे कि ऐसे प्रश्न को बाद में ही पकड़ा कीजिए। लेकिन देख लीजिए अगर केवल सिटिंग अरेंजमेंट्स और आपका पजल ही केवल क्वेश्चन में है तो भाई सबसे पहले पकड़ करके बनाइए। एक ही काम करना है, क्वेश्चन में उस बिंदु को ढूंढ करके निकालिए जिसमें कि चेहरा अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, वो दिया हुआ रहे और कितना प्लेस पे बैठा हुआ है। दो चीज केवल आप क्वेश्चन से खोज करके निकाल लीजिए, किस दिशा की ओर एक व्यक्ति देख रहा है और कितना प्लेस पे वो बैठा हुआ है। जो सर्टेन केस है, जो सर्टेनिटी केस है, उस सर्टेनिटी केस पर आप इसको अपना एस्टैब्लिश करके सारा कुछ को उससे रिलेटेड जो कुछ भी दिया है उसको सेट कर लीजिए। दूसरी बात, जहां भी डाउट हो वहां पे एक अलग डायग्राम खींच लीजिए कि भाई इस डाउट के आधार पे ये भी डायग्राम क्रिएट हो सकता है। इन छोटे से कामों को करके हम सब बहुत ही मजे तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो आइए अब आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और आगे की प्रश्न आपको हल करके समझाते हैं। छात्रगण अगले प्रश्न पर हैं, इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग पे बहुत अच्छा से काम करना है एकदम, है ना, देख लेंगे एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए, अच्छा सा आपको काम करना है। सेम कहानी वही है, 8 व्यक्ति KLMNOPQR एक गोल मेज के चारों तरफ बराबर दूरी पर एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, वो सब तो रहता ही आपको मालूम है। इनमें से कुछ व्यक्ति के चेहरे बाहर की ओर है, कुछ के केंद्र की ओर है। सेम अपना काम कर लीजिए, 8 व्यक्ति ही रहता है हमेशा ऐसे प्रश्नों पे, हाथों को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा लिए। चलिए कहानी कहिए क्या क्या कह रहा है। पहले बताएं आपको, वो चीज़ खोज के निकालिए जिसमें कि एकदम सर्टेन किसी का चेहरा दिया हुआ है केंद्र की ओर है कि केंद्र की बाहर की ओर है। के एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एन का चेहरा केंद्र की ओर है। वाह, पहला ही क्वेश्चन मिल गया, एन का चेहरा केंद्र की ओर है। मैंने पहले ही कहा कि आपको नीचे से लेना है, ये भी आपको मैंने सिखाया है। एन का चेहरा केंद्र की ओर है, के एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो के हो गया 1 2 3 के यहां पर हो गया, के एन के दाएं को तीसरे स्थान पर हो गया। पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी जो है के के बाएं को तो देखिए ये अब नहीं ले पाएंगे। अब फिर क्या होगा, इसके लिए हमको फिर एक डायग्राम क्रिएट करना होगा, फिर एक डायग्राम बनाएंगे। सेम चीज ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा एन, ये हो गया, यहाँ पर है के, यहाँ कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो ये सेम ले लिए, वो लाइन के लिए सिर्फ पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पर ये बाहर देख रहा है पी, तो के यहाँ पर बाएं हो गया, चूंकि के का स्थान तो क्लियर है। यहाँ पर पी को हम अंदर दिखाएंगे। अच्छा एक मिनट, अगर हम क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है, के बाएं ये दूसरा स्थान पर है, तो अगर ये अंदर देख रहा है, यहाँ पर ये अंदर देख रहा है, तो के बाएं हो गया, ये पी जो है वो के बाएं हो गया। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर तो पी जो है वो के बाएं हो गया इसके अनुसार में। अब एक फिगर में क्या करेंगे कि पी को अंदर की ओर दिखाएंगे, के को बाहर की ओर दिखाएंगे। जब के बाहर की ओर दिखेगा तो बाएं ये ना हो गया, तो यहां पर मेरा कौन बैठ जाएगा, समझ में आ गया। देखिए दो पॉसिबिलिटीज हम लोग यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं, इस चीज को एकदम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आप डबल क्रिएट कर दिए। क्वेश्चन ही कह रहा है कि पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ओ दूसरे स्थान पर है, पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है, पी को उठा के यहाँ पे कीजिए,
पी को उठा करके यहाँ पे कीजिए, दूसरे स्थान पर है। तो एक बार के का चेहरा अंदर की ओर रखे, उसका बाया ये निकल गया, एक बार बाहर की ओर निकले तो इसका चेहरा यहाँ पे निकल गया। कहीं कोई दिक्कत? देखिए इतना काम आपको करना पड़ता है, आप अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते। देखिए पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने क्रिएट किया, के एन के दाएं को तीसरे स्थान पर सही था, एन का चेहरा केन का सही था, पी के बाएं को दूसरे, हम कैसे लेंगे कौन बाया और दाया है, सीधे सीधे डबल अजम्पशन यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। बस सिंपल सी तो बात है। एम पी के ठीक दाएं हैं, आप देखिए एम जो है वो पी के ठीक दाएं हैं, अब रखना शुरू करते हैं, एम जो है पी के ठीक दाएं हैं। तो देखिए अगर पी का चेहरा यहाँ पर बाहर की ओर होगा, यहाँ बाहर रखते हैं, तो एम जो होगा ठीक दाएं हैं नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक दाएं में क्या है, इसका एन है। देखिए ये कहानी खत्म हो गया। अब एम का चेहरा देखिए, एम पी के ठीक दाएं हैं, यानी निश्चित रूप से पी अगर आउटसाइड फेस करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम पी के ठीक दाएं हैं, तो एम जो है वो पी के ठीक दाएं निकल गया, यहाँ पे नहीं हो सकता था। अगर हम एम यहाँ रखते हैं, एम यहाँ पर बाहर की ओर रखते हैं, एम का एम जो है पी के ठीक दाएं हैं, अगर पी को हम यहाँ पर बाहर की ओर रखते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको पी को अंदर की ओर रखते हैं तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, क्योंकि एम जो है वो पी के ठीक दाएं की ओर हो जाएगा। तो एक बार हम बाहर रखे पी को, एक बार हम अंदर रखे पी को, कहीं कोई दिक्कत है एकदम अच्छी तरह से, एम पी के ठीक दाएं को है, एम जो है पी के ठीक दाएं हो गया, एम जो है पी के ठीक दाएं हो गया। पी का चेहरा केंद्र की ओर है, लीजिए अब तो हमको एकदम क्लियर हो गया, पी का चेहरा केंद्र की ओर, हमने पढ़ा ही नहीं, आपको दो दो चीज इसमें इंफॉर्मेशन मिल गया, केंद्र की ओर है, पी का चेहरा केंद्र की ओर है, यानी कि मान के चलिए कि यह कहानी खत्म हो गया, इस डायग्राम की पूरी कहानी खत्म हो गई और यही चित्र मेरा ओके हो चुका है, क्लियर है ना। यहीं से क्लियर हो गया, देखिए पी का चेहरा यहाँ बाहर निकल रहा था, आपके परीक्षा क्वेश्चन में दिया हुआ पी का चेहरा केंद्र की ओर, ये डायग्राम मेरा क्लियर हो गया, अब इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। चलिए एम और एल के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, एम और एल के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, किधर से भी ले लेंगे, इधर से लेंगे तो एक दो तीन व्यक्ति होगा, उधर से लेंगे तो एक दो तीन व्यक्ति होगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से मिटा देते हैं ताकि आपको जो है बोर्ड में देखने में किसी तरह का कोई टेंशन ना हो। इसको थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ये लीजिए इसको कंप्लीट मैंने इरेज कर दिया, अब आपको इसमें देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन वही कह रहा है, सेम टू सेम हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है कि एम और एल के मध्य में एक दो तीन व्यक्ति बैठा हुआ, एम और एल के बीच में एक दो तीन व्यक्ति किधर भी बैठा हुआ मतलब नहीं है, ओ आर के ठीक दाएं हैं। अब आइए ओ और आर की स्थिति लेते हैं, ओ आर के ठीक दाएं हैं, ओ आर के ठीक दाएं हैं और आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा ओ आर के ठीक दाएं हैं, देखिए ओ आर के ठीक दाएं हैं और आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यही दोनों जगह पे हम लोग ले सकते हैं, के का निकट और आर जो है वो के का निकट, यानी आर यहां पर नहीं होगा, आर यहां पर होगा, क्योंकि आर को बोल रहा है के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। थोड़ा सा ये ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं और डस्टर भी ले लेते हैं, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। आर यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आर यहाँ रखेंगे तो वो के का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, इधर में कोई जगह ही नहीं मेरा बचा, वो यहाँ हो नहीं सकता है, आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ आर के ठीक दाएं हैं, ओ जो है वो आर के ठीक दाएं, यानी निश्चित रूप से आर जो है वो बाहर फेस कर रहा था, वो यहाँ पर हो जाएगा, आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है और आर जो है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एम जो है ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, देख लीजिए एम जो है ओ के दाएं को दूसरे, यानी कि ओ भी आपका क्या हो रहा है, बाहर फेस हो रहा होगा, तभी तो ओ के दाएं ये दूसरे स्थान पर एम आएगा, ये भी हो गया, एम ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है। एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में है, एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में है, ओ के विपरीत दिशा में, यानी दोनों को बाहर कर दीजिए बेचारा को, ओ के विपरीत दिशा में हो गया, एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में। एन के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एन के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे माने इसका रिश्ता एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यानी कि ये अंदर देख रहा है तो ये क्या करेगा, बाहर देख रहा है। ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ा गया, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में हैं, तो ओ का निकटतम पड़ोसी तो तुम्हारा कौन है, के और आर है, लेकिन दोनों का चेहरा अलग अलग है। अब वो हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग कहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे, ये चीज होगा, एक अंतिम पड़ाव पर आप इसमें फंसेंगे, ये आपको मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं फटाक से, के एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, के जो है एन के दाएं को तीसरे स्थान पर है, एक दो तीन का है भाई, तीसरे एन का चेहरा केंद्र की ओर है, एन का चेहरा केंद्र की ओर है तो के यहां पर होगा, एकदम क्लियर हो गया। पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है,
पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो पी जो है के बाएं का दूसरा हो गया, क्योंकि इधर देख रहा है तो बायां किधर होगा, मेरा इधर ही होगा ना, दाएं इधर होगा, पहले बताए हैं, पी जो है वो के बाएं को दूसरे स्थान पर है, क्लियर है, पी का चेहरा केंद्र की ओर है, पी का चेहरा केंद्र की ओर हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, एम और एल के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, एम और एल के मध्य में तीन व्यक्ति बैठे हैं, इधर भी तीन व्यक्ति बैठे हैं, ओ आर के ठीक दाएं हैं, ओ जो है आर के ठीक दाएं हो गया, आर के ठीक दाएं हैं, ओ इधर तो हम लोग कहीं भी नहीं ले सकते थे, ओ आर के ठीक दाएं हैं, आर के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर जो है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एम जो है वो ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, यानी कि देख लीजिए ओ के दाया दूसरा, यानी कि बाहरी देखेगा तभी तो दाया दूसरा होगा ना, एम ओ के दाएं को दूसरे स्थान पर है, एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में है, एम और एल के चेहरे जो है वो ओ के विपरीत दिशा में है, देखिए यहां पर गलत हो रहा है ना, एम और एल का जो चेहरा है वो ओ के विपरीत दिशा में है, तो ओ जिधर देख रहा है वो बाहर की ओर देख रहा है, तो ओ के विपरीत है तो दोनों अंदर की ओर देखेगा ना, यही गड़बड़ा रहा था ना, ये हो गया, एम और एल के चेहरे वहां लिखा हुआ, एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में है, यानी ओ जिधर देख रहा है उधर ओ बाहर देख रहा था, ये दोनों क्या हो गया अंदर देखेगा, एम ओ के दूसरे, एम और एल के चेहरे ओ के विपरीत दिशा में है, ये अब क्लियर हो गया, एन के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, एन के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, देख ले ये अंदर देख रहा है तो ये बाहर देख रहा है, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में हैं, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, एक मेरा केवल गड़बड़ा रहा है और वो है आपका के का पोजिशन, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, बाकी सब कुछ ओके हो चुका है, क्वेश्चन में कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं हूं मैं, जरा सा मुझे देख लीजिए, ठीक है वो लाइन भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उसके बाद वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, और वो भी ठीक है, मेरा बच अब कौन रहा है, ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, ओ के निकटतम पड़ोसी चेहरे एक दिशा में कहाँ आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन में क्या गलती कर रहा है, एक मेरा कौन बचा हुआ है, क्यू बच रहा है ना, क्यू को अब यहाँ डाल दीजिए, हमको थोड़ा सा क्वेश्चन पे देखने दीजिए, क्वेश्चन को छूट गया, क्या हो गया, कहाँ चले गए क्वेश्चन, ओहो यहाँ ओ ना हो करके यहाँ पे क्यू है छात्रगण, देखिए वही गड़बड़ा रहा था, क्यू के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एक दिशा में है, तो क्यू के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे एन और एल एक दिशा में है, क्लियर हो गया, वही हमको लग रहा था क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ओ के निकटतम पड़ोसियों के चेहरे तो एक दिशा में वो आ ही नहीं सकता था, अब आपका देखिए क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, कितना मिनट लगा आप हमको बताइए, हमको लगता है मुश्किल से आपको 3 या 4 मिनट का समय लगा होगा छात्रगण, और हमने कितना सुंदर से इसका अरेंजमेंट कर लिया, बस जरूरत यही होता है छात्रगण ऐसे प्रश्न में आप उन चीजों को ढूंढ, देखिए यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ था, एन का चेहरा केंद्र की ओर है और पी का चेहरा केंद्र के, दो दो इंस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, बाप रे बाप, अगर परीक्षा में 2 इंस्ट्रिक्ट दिया हुआ है पकड़ने के लिए, तो हम समझते हैं कि 5 मिनट भी से भी कम वक्त लगेगा, 5 मिनट बोलते 3 मिनट के अंदर में आप सारा कहानी फेंक देंगे, क्योंकि दो दो लोग का चेहरा दिया हुआ है कि वो बाहर की ओर देख रहा है कि अंदर की ओर देख रहा है, आइए अब आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं, इस पड़ाव से आपको 5 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा देते हैं, है ना, आगे की ओर लेके चलते हैं, छात्रगण इस अरेंजमेंट्स पे जो 5 क्वेश्चन था वो आपके बाद पीछे लेकर के आ रहे हैं, जब गिनती M के दाएं से शुरू की जाए तो R और M के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, M के दाएं इधर होगा, M का दाएं तो R और M के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, ओ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, के निम्न 5 में से 4 दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें से एक कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है, आप देख लीजिए, आइए देख लेते हैं, एम को बोल रहा है, एम किधर देख रहा है, अंदर की ओर, के किधर देख रहा है, के अंदर की ओर, आर कहां देख रहा है, बाहर की ओर, क्यू कहां देख रहा है, बाहर की ओर, ओके, निम्न 5 में से 4 दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है, एम अंदर की ओर देख रहा है, के भी अंदर की ओर देख रहा है, ओ बाहर की ओर देख रहा है, आर भी बाहर की ओर देख रहा है और क्यू भी बाहर की ओर देख रहा है,
तो फिर इसमें से कौन आंसर होगा? एक दो तीन चार पांच दिया हुआ है, इन पांच में से चार दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान है और एक समूह बनाते हैं। अच्छा, एक समूह बना रहा है, इनमें से कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है? तो कौन इसमें समूह में शामिल नहीं होगा? सब तो मेरा वही सबको दो तीन इसमें ऑप्शन क्रिएट हो जा रहा है। एम मेरा अंदर की ओर देख रहा है जो समूह में शामिल नहीं है, एम के अंदर की ओर, अंदर की ओर, ओ बाहर की ओर, ओके, आर आर बाहर की ओर, क्यू भी बाहर की ओर देख रहा है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? निम्न पांच में से चार दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर एक तरह से समान और एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है? ठीक तो है, तो एम के ओ आर और क्यू, एक सेकेंड, कहाँ है? तुरंत इसका आंसर का क्वेश्चन निकालते हैं, अभी तुरंत पता चलेगा कहाँ ये गलती कर रहा है बंदा, मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है। ऑप्शन लिखने में कहाँ गड़बड़ी किए हो? अब यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, देखते हैं। ये तो हो गया, उसके आधार पर नहीं पकड़ाया, अंदर और बाहर की ओर नहीं पकड़ाया, तो इनमें से कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है? आप और एक टिक लिख लेते हैं, यहाँ पर है के एम के हो गया, एल के बाद एम हो गया, उसके बाद आर हो गया, पी क्यू आर हो गया, और उसके बाद देखिए एक और पकड़ा जा सकता है छादगन, और वही इसका आधार भी होगा। आप देखिए दो स्थिति पे पड़ गए थे, एम का स्थान अंदर की ओर देख रहा है, के अंदर की ओर देख रहा है, उसके बाद ओ बाहर की ओर देख रहा है, आर बाहर की ओर देख रहा है, क्यू बाहर की ओर देख रहा है। अब देखिए इसमें क्या चीज है, हम एक चीज और इसमें इसको एक अंदाज से और पकड़ा जाता है, वो क्या है कि आप देख लीजिए, आप जब चलेंगे यहां से यहां तक लिख लीजिए जिसको दिया हुआ है, M, K, O और R को देखिए, M, K, O और R, ये जितने सारे जो आपके सिचुएटेड किए हुए हैं ये एक क्रमगत रूप में है, मतलब एक क्रॉनिकल ऑर्डर में है, जबकि Q देख लीजिए L के बाद आया हुआ है। देखिए M, K, O और R, M, K, O और R एक साथ बैठे हुए हैं, M, K, O और R, जबकि Q जो है बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है, अलग बैठा हुआ है, इसलिए यहां पर अलग हो जाएगा आपका नंबर पांच Q। समझ में आ गया क्यों क्यों अलग हुआ? क्योंकि M, K, O और R एक साथ क्रमगत रूप में बैठे हुए हैं, जबकि Q अलग बैठा हुआ है। L के संदर्भ में K का स्थान क्या है? L के संदर्भ में K का स्थान देख लीजिए, ये हो जाएगा बाएं से तीसरा, देख लेते हैं बाएं से तीसरा है, बाएं को तीसरा, पहला ऑप्शन ही है, हो गया। Q के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं, पहला है दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, अभी विकल्प देखने दे यार। Q और O के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं, Q और O के मध्य तीन व्यक्ति नहीं, दो बैठे व्यक्ति बैठे हुए हैं, पहला गलत हो गया। N Q का निकटतम पड़ोसी है, N जो है वो Q का निकटतम पड़ोसी, इज द राइट आंसर। और देख लीजिए Q और K के मध्य दो व्यक्ति हैं, Q और K के मध्य दो व्यक्ति नहीं हैं, पांचवा भी देख लीजिए, पी क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर है, पी क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर नहीं है, बाएं को दूसरे स्थान पर है। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर थर्ड, N Q का निकटतम पड़ोसी है। तो उम्मीद करते हैं छात्रगण कि इनसाइड और आउटसाइड फंडा पर जो आज की क्लास हमारी सिचुएटेड थी, बेस्ड थी, इस पर आपने बहुत ही शानदार अंदाज में काम करने का प्रयास किया होगा, और ये पूरी चैप्टर जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स का, जहाँ पे इनसाइड और साइड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसे कई क्वेश्चंस घर में बैठ करके आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, साथ ही साथ संस्थान के PDF आपको अटैच कर देंगे कुछ क्वेश्चनों के द्वारा, बस आपको बैठ करके इसमें जमकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक ही कहानी है पूरे चैप्टर का कि आप सीधे उस पड़ाव पर पहुंचिए जहां पर आपको उसकी दिशा और उसका स्थान दिया हुआ है। अगर एक से अधिक दिशा और स्थान है तब तो आपके वारे न्यारे हैं, और अगर एक भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। दो से तीन मिनट का तो समय लगता है, बाकी यहां तो हम सब क्वेश्चन लिखने में इतना समय खर्च कर रहे हैं, इस कारण थोड़ा वक्त का पता नहीं चल पाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे की क्लास में आप सब इसे बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। कल की क्लास एक और सिटिंग अरेंजमेंट्स का हम रख रहे हैं छात्रगण, इसमें कल की जो क्लास होगी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट्स का, उसमें हम ये देख पाने के लिए
अपने आप को कोशिश करेंगे कि बिसाइड्स द सर्कुलर पाथ, आजकल आपने देखा कि चाहे IBPS हो, RRB हो, RBI हो, इन सब परीक्षाओं में आप देख लीजिए क्या कि अब सर्कुलर पाथ पर कम फोकस करके रेक्टेंगुलर पाथ पर फोकस कर रहा है कि डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठा हुआ है, उस टेबल पर इतने लोग ये करते हैं, इतने लोग, तो इस पड़ाव पर भी कल की क्लास में हम सब यहाँ पर काम करेंगे। तो आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं इस मंगल आशीर्वाद के साथ में कि जहां भी रहें मजे में रहिए और प्रैक्टिस निरंतर जारी रहे, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए छात्रगण कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आपको परफेक्ट बनना है आपको प्रैक्टिस करना होगा और बैंकिंग की पूरी परीक्षा इन्हीं प्रैक्टिसों पर डिपेंड करती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।